नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक की भाजी। बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा और बहुत कम तेल मसाले में बन करके तैयार होगा। आप एक बार ज़रूर बनाइए और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं देखने कैसे बनाना है आलू पालक की भाजी। आलू और पालक की भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पालक। पालक हमारा किचन गार्डन का पालक है, बिल्कुल फ्रेश पालक है और आपको थोड़ी सी डंडियाँ दिख रही होगी पर बहुत ही ज़्यादा खिंचा है ये, देखिए इस तरह से। तो मैंने डंडियाँ भी ले ली है, इसकी खिंचा है इस वजह से। और डंडियों में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है और विटामिन्स वगैरह बहुत होते हैं, इसलिए जो खिंचे वाले हैं मैंने उनको नहीं फेंका है। तो इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे पालक को और आलू को भी कट कर लेंगे। अब जिस तरह से मैं बनाने वाली हूँ उस तरह से आप बनाएंगे ना तो सभी जो पालक नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये आलू और पालक की भुजिया। ये देखिए मैंने आलू को कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने सीधे डायरेक्ट पानी में ही डाला है। मैंने इस आलू के छिलके नहीं उतारे हैं, बिल्कुल नए वाले हैं और बिल्कुल क्लीन आलू थे तो इस वजह से, क्योंकि छिलके में भी एक अपना स्वाद होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बार आप जरूर बनाकर देखिएगा इस तरह से। मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं होता है। बहुत कम तेल मसाले में ये बनकर के सब्जी तैयार होंगे और बहुत ही अच्छी और टेस्टी होंगे। तो मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है। तेल अच्छे से गर्म होते ही मैं डाल दूंगी आधी चम्मच जीरा और डाल दूंगी दो लाल मिर्ची। देखिए इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं पर लाल मिर्च का बहुत ही अच्छा सोंधा सोंधा सा खुशबू आता है। ये देखिए हमारा जीरा और लाल मिर्च अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसी समय मैं डाल दूंगी आलू जो कट करके रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे, ढक्कन लगा लगा करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में ढक्कन हटा करके चलाते रहेंगे ताकि नीचे से आलू न लग जाए। ये देखिए हमारे आलू जो है फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से, हल्का सा कलर इसमें आ गया है तो मैं इसे निकाल लूंगी इसी समय। वही वाली कढ़ाई है, आलू निकालने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज कुछ भून चुके हैं अच्छी तरह से थोड़ा सा। अब इसी समय मैं डाल दूंगी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन्हें भी साथ में ही भून लेंगे। पालक के सब्जी में अदरक लहसुन का जो होता है टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ। आप यदि ज़्यादा तेल वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं पर सेहत के लिए ज़्यादा तेल अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए देखिए मैं बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ सब्जी। ज़्यादातर मैं कम ही तेल में बनाती हूँ। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। मैं बिल्कुल बेसिक मसाले ही डाल रही हूँ, ज़्यादा मसाले मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। जो लोग मसाले बहुत कम खाते हैं वो भी इस सब्जी को खा सकते हैं। ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डालूंगी टमाटर, एक बड़ा टमाटर है इसे कट कर लिया है, इसे भी साथ में भून लेंगे मसालों के साथ। टमाटर डाला है तो इसी समय मैं डाल दूंगी नमक। पूरी सब्जी के लिए नमक डाल रही हूँ मैं, स्वादानुसार आप डालिएगा देख करके। ढक्कन लगा दूंगी एक से दो मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इस समय मैं डाल दूंगी एक चम्मच किचन किंग मसाला, यदि आपके पास है तो डालिए नहीं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे किचन गार्डन का टमाटर था, बिल्कुल दो मिनट में अच्छी तरह से टमाटर गल चुके हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं।
हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल बेसिक मसाले मैंने डाले थे। अब आलू भी है, देखिए बहुत 80% तक पके हुए आलू हैं, देखिए तो इसे आलू को भी मैं इसी में डाल दूंगी। और जो पालक कट करके रखा था मैंने, ये पालक को भी इसी में डाल दूंगी। अब इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे अभी। मैंने यहाँ पर पालक साफ करने के बाद करीब 400 ग्राम के करीब पालक हैं, हमारे घर के पालक थे तो इसमें कुछ ज़्यादा गंदा नहीं निकलता है क्योंकि हमने तोड़ा ही हुआ होता है अच्छी तरह से, तो इस वजह से 400 ग्राम पूरे हैं ये पालक। ये देखिए हमारे पालक कितनी जल्दी गल गए। पालक में काफ़ी सारे जूस होते हैं, देखिए पालक का देखिए जूस दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसमें पानी डालूंगी नहीं, तो इसमें बिल्कुल लो मीडियम पे ही रख करके इसे पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए बिना पानी डाले। ये देखिए हमारी सब्जी लगभग बन करके तैयार हो गई है। अब इस समय देखिए मैं एक आलू को दबा करके दिखाती हूँ आपको, देखिए अच्छे से पक चुके हैं आलू। और इसमें मैं मेथी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दूंगी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा करके 1 से 2 मिनट और पकने देंगे ताकि कस्तूरी मेथी का टेस्ट अच्छे से पूरी सब्जी में आ जाए। यदि मैं इस सब्जी को ढककर नहीं पकाती तो बहुत ही अच्छा ग्रीन रहता, ढकने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 2 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है, बिल्कुल लटपटा सा है और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी पालक का ही है, पालक में बहुत सारा जूस होता है वही निकल जाता है। तो गैस बंद कर देती हूँ, अब मैं कर देती हूँ प्लेटिंग। मेरी हेल्दी सब्जी और टेस्टी सी बन के तो तैयार हो गई है, ये देखिए आलू और पालक की। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं एक बार, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और एक बार आप सब्सक्राइब जरूर से कर दें यदि मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग का प्यार रहेगा तो मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाती रहूँगी। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। और इसे थोड़ा सा एक धनिया पत्ता लगा देंगे यहाँ पर ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। आप इस सब्जी को पूड़ी पराठे और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।